नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मनसुंदर टीवी सीरियल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है रूही ने अपने परिवार वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे चुकी है दोस्तों इस खुशखबरी को पाकर रूही को सभी लोग बधाई देने लगे जी हाँ दोस्तों आज रूही एक माँ बन चुकी है रूही ने अपने गर्भ से एक बेटे का जन्म आज दी है आपने अभी अभी वीडियो के शुरू में देख ही चुके होंगे हॉस्पिटल की लाइव तस्वीर जिसमें रूही का बच्चा किस तरह रो रहा होता है दोस्तों इस होली महापर्व के शुभ अवसर पर रूही ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे चुकी है आज पूरा परिवार रूही से बहुत ज्यादा खुश है दोस्तों रूही को नाहर से अलग करने के साजिश में कई दिनों से जुटी अग्नि का आज माथा ही चकरा गया इस खबर को सुनकर जी हां मेरे दोस्तों नाहर को पाने के लिए अग्नि ने क्या नहीं किया था रूही और नाहर के रिश्ते को तोड़ने के लिए वो न जाने कितनी गलत फैनियाँ अपने ही परिवार में करवाई थीं लेकिन आज उसे यह अंदाज़ा लग चुका है नाहर और रूही के बीच की नज़दीकियाँ कितनी गहरी है दोस्तों नाहर और रूही एक दूसरे के पति पत्नी होने के नाते वे पति पत्नी के जैसे एक दूसरे के साथ पल भी गुजारते हैं उनके बीच पति पत्नी से भी बढ़कर प्यार है दोस्तों रूही आज अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत खुश है अग्नि के कारण रूही ने अपने और अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रेगनेंसी छिपाए रखी थी लेकिन आज उसने अपने बच्चे को सही सलामत जन्म दे चुकी है दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं रूही के प्यारे और मासूम बेटे को अब अग्नि के लगातार नाकामी के कारण दादी भी उसका साथ छोड़ देने वाली है रूही को ही अपनी बहू स्वीकार कर लेती है रूही आज माँ बन चुकी हैं दोस्तों रूही के माँ बन जाने पर आप भी उनको बधाई देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों सोनी रूही और रूही के बच्चे की बहुत ज्यादा धूमधाम से गोद भराई करने वाली हैं अब इस जन्म में अग्नि नाहर को अपना नहीं बना सकती है दोस्तों गलत का नतीजा गलत ही होता है नाहर को अपना बनाने के लिए अग्नि ने कई घटिया चाले चली जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वो बेघर होने वाली हैं